नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माई टेक में। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे स्काईविक के ट्रू होल्ड डैशबोर्ड एंड विंडस्क्रीन मोबाइल होल्डर का। दोस्तों, अगर आप मोबाइल होल्डर की ऑनलाइन सर्च करें तो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं और बहुत से ऑप्शंस ये 300 से 600 के प्राइस ब्रैकेट में है। लेकिन कई सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद मुझे ये लगा कि उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है। उसमें से जो प्रोडक्ट विंडस्क्रीन के लिए बने हैं वो मैंने एक देखा है कि जैसे ही हम खराब रास्तों से या गड्ढों से गुजरते हैं तो ये होल्डर्स विंडस्क्रीन पे से गिर जाते हैं और ऐसे समय पे हमारे मोबाइल को भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये स्काईविक कंपनी का है और ये कंपनी जनरली प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है। इस प्रकार से इसका बॉक्स आता है और ये पर्टिकुलर मोबाइल होल्डर आप चाहे तो इस कॉन्फ़िगरेशन से आपके डैशबोर्ड से भी लगा सकते हो या इसे अपने विंडस्क्रीन से भी अटैच कर सकते हो। हम आगे ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर देखेंगे, तो आइए पहले अनबॉक्स से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की MRP अगर आप देखें तो 1999 है, लेकिन ये Amazon पे आपको 1200 रुपये के आसपास मिल जाएगा और अगर कुछ ऑफर्स चल रही है तो उससे भी कम में ये आपको मिल सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से इसका पैकेजिंग आता है। तो इधर आप देखें तो बहुत से अलग अलग पेपर वर्क दिया है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 2 साल की वारंटी आती है और अगर इसे हम ऑनलाइन रजिस्टर करें तो हमें 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है। तो इस तरह से ये हमारा मेन होल्डर है। इधर पीछे ये बटन दिया है, बटन दबाते ही स्लोली खुलता है। यहाँ पे रबराइज्ड फिनिश दी है जिससे कि हमारे मोबाइल को स्क्रैचेस ना पड़े और ये दोनों साइड के जो ये आर्म है वो भी रबराइज्ड है जिससे कि एक फर्म ग्रिप हमें मिल जाएगी, प्लस ये थोड़े से एंगल्ड भी है। इधर इसकी ब्रांडिंग दी है, ये इसका आर्म है, यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म है, अगर आप इसे लूज करें इस तरह से अलग अलग एंगल में आप घुमा सकते हैं। यहाँ पे नीचे सक्शन कप दिया है, इस तरह से सक्शन कप खुलता है और इस तरह से लॉक होता है। आपके डैशबोर्ड से माउंट करने के लिए उन्होंने इस तरह का ब्रैकेट दिया है। पहले ये होल्डर इससे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको इसे खोलना है और इस तरह से हम ये प्लास्टिक का लॉक वापस घुमा के इसे अटैच कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो इसके आर्म्स हो, इसका प्लास्टिक हो या ये सक्शन कप हो जो बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल से बना है। तो क्वालिटी के मामले में ये इसके प्राइस टैग को टोटली जस्टिफाई करता है। तो चलिए अब हम व्हीकल में जाके देखते हैं ये किस प्रकार से हम लगा सकते हैं और इसे हम टेस्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी XUV500 है और इसके डैशबोर्ड पे अगर आप सरफेस देखें तो कहीं भी स्ट्रेट फ्लैट सरफेस नहीं है। तो ऐसे समय पे हमारा ये जो प्रोवाइडेड उन्होंने प्लास्टिक का पार्ट दिया है जिसको नीचे 2-साइडेड टेप है वो बड़े काम में आता है। तो यहाँ पे मुझे बस ये चिपका देना है। ये बहुत बड़ा सरफेस होने के कारण ये फर्मली चिपक जाएगा और ये चिपकने के बाद मैं इस तरह से यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे पर्टिकुलर केस में मैं इसे कांच पे से माउंट करना चाहता हूँ। मैं और एक आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसे खींचे तो ये इस तरह से भी एक्सटेंड होता है। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये एरो नीचे दिया गया है तो हमें इस तरह से इसे चिपकाना है ये लोगों को ऊपर रख के। तो यहाँ पे इसके सरफेस पे जो उन्होंने स्टिकर दिया है मैं उसे निकालता हूँ। ये सरफेस को अगर आप देखें तो जेल टाइप उन्होंने ग्लू दिया है, ये परमानेंट ग्लू नहीं है, तो इसे आप आसानी से बाद में निकाल भी सकते हो। लेकिन इस ग्लू के कारण ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारे स्क्रीन को अडियर करेगा। इस तरह से मैंने इसे प्लेस कर दिया है और मैंने इस सक्शन कप को लॉक कर दिया है। तो आप अगर यहाँ पे देखें थोड़ी सी मूवमेंट इस आर्म को भी है और बाकी इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं ड्राइवर साइड चाहता हूँ तो इस एंगल को एडजस्ट कर सकता हूँ और अगर मैं अब इस पर फ़ोन लगाऊँ, फ़ोन को एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पे दिए गए लॉक को आप घुमा के टाइट कर सकते हो। अब ये कहीं नहीं हिलने वाला और अब अगर चाहे तो इस एंगल को इस तरह से आपके और करीब ला सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ये बनाया गया
प्रोडक्ट है, आपने ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लिया, फिर ये पीछे दिए गए लॉक को आप अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा। अब ये आपका फ़ोन लॉक हो गया है। तो दोस्तों अगर मैं इसे हिलाने की भी कोशिश करूँ, ये देखिए, मैं अगर इस पर कितनी भी हैमर करूँ तो भी ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल यूज़ काफ़ी अच्छा है और एक अच्छी तरह से इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा कार स्टैंड आप ले जो आपको सालों साल चले, तो मैं श्योरली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेकमेंड करूँगा। आप चाहें तो इस स्टिकर को पील ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इन लॉक्स की भी बात करूँ तो एक बार इसे अटैच करने के बाद, ये देखिए, मैं अगर इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूं तो भी ये निकल नहीं रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से इसे होल्ड करते हैं और भले ही कुछ भी हो जाए, ना आपका स्टैंड गिरने वाला है और ना उस पर रखा हुआ फ़ोन गिरने वाला है। इस पर्टिकुलर ट्रू होल्ड मॉडल को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होने के कारण आप आसानी से आपको जो चाहिए उस हिसाब से आपके फोन की एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।